ये लगा के दिया हेडलाइट डीआरएल फॉरवर्ड तीनों पार्ट जनरल महिंद्रा पार्ट रहेंगे। आप देख लो एसयूवी 300 की प्रॉपर बैजिंग के साथ आपको रेन वाइजर मिलने वाला है। स्पॉइलर पे वर्किंग हो रही है। जो चीज जनरल महिंद्रा देखते थे मिल गया बिल्कुल अच्छा, सब सामान अच्छा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी आप लोगों के सामने रहने वाली भी वो रहेगी एसयूवी 300 W6 मॉडल रहेगा। आप देख लो W6 मॉडल रहने वाली है। W6 की पहचान यहाँ पे रहती है सिल्वर से भी है। जब भी आप यहाँ पे सिल्वर देखेंगे तो आप समझ लेना W6 मॉडल है। जब ये ब्लैक होगी तो आप समझ लेना W4 है। भैया ने ओल्ड लोगों गाड़ी है अपने पास, भैया थोड़ी मतलब हो चुकी है, काफ़ी दिन हो चुके गाड़ी लिए हुए। UP75 की गाड़ी है। आप देख लो UP75 इटावा की गाड़ी रहने वाली है। इसमें जो हमने काम के लगभग बेस टू टॉप का नहीं होगा लेकिन हाँ मीडियम रेंज का होगा, अंडर 50,000-55,000 आप क्या करवा सकते हैं अपनी गाड़ी में वो होगा। सबसे पहले भैया को ये चाहिए था तो उसमें हमने ये लगा के दिया हेडलाइट DRL फॉरवर्ड तीनों पार्ट जनरल महिंद्रा पार्ट रहेंगे। आप देख लो यहाँ पे हमारे महिंद्रा पार्ट्स की बॉक्सिंग रहने वाली है। जो इस मॉडल में आता है वो ये वाला पार्ट आता है भैया, जो बेस मॉडल में आता है वो ये आता है। ये नॉर्मल होता है, हेलोजन आता है, इसमें DRL नहीं आता। सबसे कभी तो यही रहता है कि इसमें DRL नहीं आता। साथ में इस हेडलाइट और इस हेडलाइट में चेंज आएगा भैया, यहाँ पर आपका DRL आ जाएगा, प्रोजेक्टर आएगा, हाई बीम आएगा। इसमें आपका DRL नहीं आता और सिंगल लाइट आती है। दोनों का दोनों पार्ट जो है जेन्युइन महिंद्रा ही है। ये W4 W6 का पार्ट है, ये W8 ऑप्शनल का पार्ट आएगा। डिफरेंस यही है। इसमें जो हमने लगाया भैया एक तो हेडलाइट चेंज करी है, एक DRL और एक फॉग लाइट, तीनों पार्ट चेंज किए हैं लगाए हैं। और लाइटें भैया ने भी अपग्रेड नहीं करी, लाइटें येलो ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं रहने वाला। ठीक है भैया। साथ में आप देखेंगे गाड़ी में जो काम होगा इसके रेन वाइजर पे हो चुका है। आप देखोगे एसयूवी 300 की प्रॉपर बैजिंग के साथ आपको रेन वाइजर मिलने वाला है। साथ में गाड़ी में जो काम होगा इसके सीट कवर पे रहने वाला है। फुल बकेट सीट कवर लगाएंगे हम इसके अंदर, फुल बकेट सीट को लगाएंगे, टॉप मॉडल वाला लगाने वाले, बी4 लुक रहेगा ये। गाड़ी में प्रॉपरली फ्लोरिंग होगी, आप देखोगे तो प्रॉपरली फ्लोरिंग होने वाली है। आप देख लो अभी बी4 लुक रहेगा, फ्लोरिंग अभी नहीं हुई है। फ्लोरिंग हम क्रोकोडाइल वाली ही करेंगे गाड़ी के अंदर। साथ में जेन्युइन महिंद्रा हमारा आर्मरेस्ट पे वर्किंग होगी। अगर आप देखोगे तो अभी आर्मरेस्ट लगा हुआ नहीं है भैया गाड़ी में, आर्मरेस्ट लगाएंगे जेन्युइन महिंद्रा टॉप मॉडल वाला। साथ में एक स्टीयरिंग कवर लगा रहे हैं फुल OEM ब्लैक के अंदर, OEM मयूर और नापा लेदर रहेगा OEM इसके अंदर। साथ में जो बैक साइड में आप आओगे स्पॉइलर पे वर्किंग हो रही है, स्पॉइलर लगाएंगे वेलकम का। साथ में गाड़ी में प्रॉपरली डैम्पिंग हो रही है, अगर आप देखोगे तो डैम्पिंग पे भी वर्किंग चल रही है, हटा के प्रॉपर AA डैम्पिंग हो रही है। सारे दरवाजे पैक कर दिए गए हैं, इसमें डैम्पिंग हो चुकी है अगर आप देखोगे तो। अब ये दरवाजे पैक डैम्पिंग हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2.2 mm की डैम्पिंग होती है डबल लेयर, इससे होगा कैबिन नॉइस जो भी होती है वो सब खत्म हो जाएगी। आपको पता है महिंद्रा की गाड़ी में कैबिन नॉइस आती है, इंजन की नॉइस आती है, वो सब खत्म होगी। बॉडी तो हैवी है इसकी, इन कैबिन नॉइज़ खत्म हो जाएगी। सीट को देख लो आप, ये वाले रहने वाले फुल बकेट, सबसे हैवी सीट को रहता है हमारा ये इंपोर्टेड लेदर के अंदर। बाकी अगर करने देते काम मैं आपको फिर दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या काम हमने किया था। भैया हमारी एसयूवी 300 का सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखेंगे गाड़ी के हेडलाइट पे जो फ्रंट पे काम होता है, इसकी हेडलाइट DRL फॉरवर्ड तीनों पार्ट जेन्युइन महिंद्रा का वर्किंग हुआ था। आप देखो ये जो DRL है ये आ गया इसके अंदर, ये सेम W8 ऑप्शन वाले DRL हो गया, अपना हेडलाइट और DRL हो गया। इसकी जो लाइट थी अभी मैंने येलो रखी हुई है, तो हेडलाइट को व्हाइट कराने का अभी ऑप्शन बनता है, लेकिन जो W8 ऑप्शन में आता है वो सेम यही सेटअप आता है। अभी गाड़ी में जो चल रहा है प्रोजेक्टर और फॉग लाइट चल रहा है इसका, ये इसका हाई बीम चल गया है। हाई बीम और फॉग लाइट जो प्रोजेक्टर है थोड़ा अलग अलग चलेगा, जब आप हाई बीम दोगे तो हाई बीम चलेगा, जब नॉर्मली चलाओगे तो ये चलेगा। ठीक है भैया। बाकी DRL आपका इनिशियल चल जाएगा, जैसे आप चाबी लगाएंगे तो DRL चलेगा, जैसे आप चाबी हटा देंगे तो DRL आपका बंद हो जाता है कुछ सेकंड के बाद। फ्रंट से यही काम होता है यही गाड़ी में, साइड प्रोफाइल से यही वर्किंग थे, हेडलाइट DRL फॉग लाइट। गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आते सर, ये साइड प्रोफाइल जो वर्किंग थी, सबसे पहले इसके रेन वाइजर पर रहेगा भैया। देख लो एसयूवी 300 की प्रॉपर बैजिंग के साथ आपको मिलेगा रेन वाइजर, साथ में लोअर विंडो फ्रेम गार्निश, साथ में अभी हैंडल क्रोम भी लगेगा इस गाड़ी के अंदर, हैंडल क्रोम लगाना बाकी है। साथ में अगर अंदर आएंगे तो भैया सबसे पहले भी नजर जाएगी गाड़ी के सीट कवर पे। आप देख लो मैंने फुल बकेट सीट को लगाया, लाइफ टाइम गारंटी वाला सीट कवर रहेगा इंपोर्टेड लेदर में, जिसमें प्रॉपर आपको थाई सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप देखेंगे थाई सपोर्ट मिल गया इसके अंदर एक्स्ट्रा, आपको ये फिनिशिंग है वहाँ से देखोगे वो थाई सपोर्ट मिल जाता है आपको। ये लॉन्ग ड्राइव पर अगर आप जाएंगे तो भैया थाई सपोर्ट आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। बाकी सीट को फुल बकेट रहने वाला है, जेन्युइन महिंद्रा आर्मरेस्ट पे वर्किंग हुई है। अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रॉपर जेन्युइन महिंद्रा आर्मरेस्ट रहने वाला है, ये निकाल के देख लो आप, ये महिंद्रा आर्मरेस्ट रहेगा। साथ में स्टीयरिंग कवर की सिलाई हुई है, अगर आप देखें OEM स्टीयरिंग कवर रहने वाला है, प्रॉपर फुल ब्लैक मैंने लगवाया है, फुल OEM स्टीयरिंग कवर के अंदर रहने वाला है। साथ में अगर बैक साइड से आप आएंगे तो एक स्पॉइलर पे वर्किंग हुई है, जो कि वेलकम ब्रांड का रहने वाला है स्पॉइलर हमारा।
यही सारा काम था। बाकी गाड़ी में प्रॉपरली डबल ए डैम्पिंग हुई है, अगर आप देखोगे तो डैम्पिंग का इंपैक्ट, ये डैम्पिंग हुई है डबल ए, जिमर की 2.2 एमएम के अंदर डैम्पिंग रहने वाली है। यही सारा काम था गाड़ी के अंदर, मोटा मोटी सीट कवर, स्टेयरिंग कवर, जीएफएक्स मैट्स, लास्ट में हमारे मैट्स रह गए, जीएफएक्स वाले मैट लगाए गए थे गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो, ठीक है भैया, जीएफएक्स मैट के वर्किंग थी। बाकी हेडलाइट डीएल आप देख चुके हैं, यही सारा काम था। अब आ गए हम गाड़ी के ऑनर के पास। भैया क्या नाम है अपना? मेरा नाम शिवकांत है। कहाँ से आए थे भैया? भैया इटावा से आए हैं काम करवाने के लिए। हाँ, जो सोचे थे जितना खर्चा उतना हो गया? जो सोचे थे उससे कम ही हुआ है। इधर कम हो गया मतलब कम खर्चा हुआ मेरे पास। जो चीज़ जेन्युइन मेहनत देखते थे भैया मिल गया, बिल्कुल अच्छा, सब सामान अच्छा था। जो चीज़ ऑफर मार्केट वो ऑफर मार्केट मिला, बिल्कुल काम में सेटिस्फेक्शन आया भैया, बिल्कुल। कितने टाइम में फ्री हो गए? लग गया था तीन चार घंटे लग गए। बाकी आपने भैया का फीडबैक देख लिया, अगर आपको भी अपनी XUV 300 या किसी भी गाड़ी में काम करना तो हमारे पास आ सकते हैं भैया। किसी भी गाड़ी का जेन्युइन पार्ट, स्पेशली महिंद्रा XUV 300 का जेन्युइन एसेसरीज चाहिए तो आपको मिल जाएगा, जिसका आपको 20% ऑफ अपने पास चल रहा है, वो अभी भी वर्क आ रहा है, उसको बंद नहीं हुआ है। बाकी अगर आप चैनल पर भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग की वॉच कीप सब्सक्राइब।